सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप पढ़ांगे वाकअंश। वाकअंश जिवें कि नाम तो ही पता है कि वाकअंश, देखो जी वाकअंश जो बनया है दो शब्दों नाल बनया है, वाक प्लस अंश। समझने लिए बता रहे हैं भाई, तुहानू समझण वास्ते वाकअंश, वाक दा अंश, वाक दा अंश हैगा इह। ਇਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾਕੰਸ਼। ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਧੇ ਰਹਿਤ ਸ਼ਬਦ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਧੇ ਰਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਵਾਕੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, क्योंकि शब्द होंदा है उनका उद्देश्य ते विधेय नहीं होंदा। एक चीज ध्यान रखने वाली है, बस सिर्फ एक चीज तुहानू समझ आ गई तो समझो वाकंश सारा समझ आ गया। और बड़ी सरल जी गल है, सरल जी गल वो है कि वाकंश नाम तो किवें बने है, वाक दा अंश, वाक दा हिस्सा। वाकंश होंदा है ना जिहड़ा वो वाक दे अंदर जिहड़े वरते गए शब्द होंदे ने ਉਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਸੀ ਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। वाक दे अंदर आ गया तो उन्हूं वाकंश कहांगे, शब्द नहीं कहांगे। फिर यह मुकदी गल है भाई, ओके SMS कर दो। फिर इस दे बस इसी बारे आप गल करांगे और गल्ला घुमा घुमा के कहांगे भाई। व्याकरण दे हवाले नाल अगर गल करिए, उद्देश विधेय रहित ओ शब्द समूह वाकंश है जो व्याकरणक पद्धर उत्ते शब्द वांग कार्य करता है, शब्द वांग कार्य करता है। वाकंश एक कार्जी वाकात्मक इकाई है, वाकात्मक इकाई है, वाक दे अंदर वरतों होंदी है। शब्द ता वाक मुक्त होंदा है, जेड़ा शब्द है वह वाक मुक्त है और वाकंश है जेड़ा वो वाक युक्त है। कहण दा भाव कि वाक च कार्य करता है, वाकंश वाक दे विच कार्य करता है। और जे वाक तो बाहर है तां की है, शब्द है, वाक मुक्त हुंदा है। और जदों वाक दे अंदर वरतो होवे तां ओ वाकंश हैगा। इह सी जिहड़ी पंचलाइन है भाई, इसी उत्ते सारा कुछ खड़ा है। अंग्रेजी भाषा विच वाकंश लई प्रेज शब्द वरत्या जांदा है भाई, आ रहा प्रेज। और संस्कृत दे अंदर वाकंश लई पद है, पद टर्म वरती जांदी है। पद अते शब्द विच अंतर कीता गया है भाई। हुण दोबारा आपां ओही गल दोबारा होर शब्दां विच गल कर रहे हैं। पद अते शब्द विच अंतर कीता गया, शब्द वास्तव विच कोशी मद है भाई, शब्द कोश तो संबंधित। क्योंकि जेड़ा ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਾਕੰਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਦ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਪਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
या फिर शब्द समूह कारशील होंगे ने। और जो शब्द समूह कारशील हो वध शब्द आ जाने एक तो वाकंश के अंदर तो अंग्रेजी विच वन वर्ड प्रेज टू वर्ड प्रेज या लोंग प्रेज आदि टर्मा आउंदियां ने। सिस्टमी व्याकरण विच शब्द समूह टर्म वरती गई है। और हिंदी व्याकरण विच एक शब्दी फ्रेज लई पद जे एक शब्दी फ्रेज है ता पद है और बहु शब्दी है बहु शब्दी फ्रेज है ता पद बंद है। एक शब्दी है वाकंश ते पद और जे बहु शब्दी है ता पद बंद बहु शब्दी है ता पद बंद भैया टर्म वरती जाती है। पर आधुनिक विश्लेषण प्रक्रिया विच पद बंद टर्म ही आम मकबूल हो गई है। पंजाबी व्याकरण के खेत्र विच होर वाकंश पंजाबी विच की है वाकंश प्रचलित है। इसी कारण अपने सिलेबस के अंदर वाकंश जेड़ा शब्द है वह लिखा गया है। कई लोग इन बई रलगड़ कर देंगे शब्द के शब्द नाल इन रलगड़ नहीं करना बई क्योंकि शब्द है जेड़ा वह वाक तो बारी और वाकंश है जेड़ा वाकात्मक प्रक्रिया है वाक के अंदर कार्य करता है। हुण अगर गल करिए पंजाबी भाषा दे विच बणतर या कार्य आधार पर विश्लेषण करिए आपां ना वाकांश दी जिहड़ा ना वाकांश है कार्य दे आधार पर होर रूप दे आधार पर बणतर दे आधार पर इहदी वंड कीती गई है। रूप दे आधार पर कार्य दे आधार पर हुण की है कि कारज के आधार से है उनकी गल बाद करांगे पहला रूप के आधार से गल कर लें। रूप के आधार से की है मुख शब्द राही नाव वाकांश की सिरजना पई स्थान वो किस स्थान पर आंदा है संबंधक तो संबंधक नाव वाकांश है कारज से रूप के आधार से इनू गां वड़िया गया है बई ते रूप दे विच अगर गल की जाए तो रूप से मुख शब्द स्थान से संबंधक ये तीन है। और जे अगर आप गल करिए पंजाबी भाषा के जेडे वाकंश ने जो तुसी कोई भी वाक पढ़ते हो तो वाक के अंदर की होंगे ना होंगे ना वाकंश क्रिया वाकंश होंगे ना वाकंश ते क्रिया वाकंश होंगे है। और कई बार क्रिया विशेषण वाकांश भी आ जाता है। वाक पढ़ते हो वाक के अंदर की है ना भी आंदा है वाक के अंदर की है ना भी आंदा है बई ना आंदा है वाक के अंदर ना वाकांश हो गया। और जे पढ़ना आंदा है ना वाकांश के अंदर आजूगा तो ना की थान यूज हो गया ना वाकांश। हुण वाकांश की है वाकांश का अगे वर्गीकरण किया गया बई वाकांश के विच की होंदा तुसीं वाक पढ़ते हो ना वाकांश भी होंगे क्रिया वाकांश भी होंगे और क्रिया विशेषण वाकांश भी होंगे। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी वाक होंगे ना वाकांश से क्रिया वाकांश नाल बनता है भाई क्रिया वाकांश है वो जरूरी तत्व होंगे बहुत जरूरी तत्व होंगे भाई ठीक है। तो हम उस तो बाद की है जरा ना वाकांश है उसनू वंडिया गया भाई उसनू कारज के आधार से रूप के आधार से रूप से की है मुख शब्द राही स्थान राही संबंधक राही। और जो क्रिया वाकांश है क्रिया की किया गया क्रिया किन्ने अगे क्रिया जी वंड की गई है वह की है एकालकी ते कालकी है एकालकी ते कालकी। फिर कालकी जी क्रिया है उस दे विच कर्तरी ते कर्मणी आते हैं बई एक्टिव वाइज पॉसिव वाइज कर्तरी ते कर्मणी। हुण कर्तरी की जे वंड की जाए कर्तरी की जे वंड की जाए या काल की क्रिया भी अगर आप कही वंड की जाए तो मुख क्रिया संचालक क्रिया से सहायक क्रिया होती है। क्रिया च क्रिया में एक तो अकाल की होगी और अकाल की क्रिया में के नो नो दया आए हाँ तुम्हें दस्या हो उस तो संबंधित जे वाक बनते हैं अकाल अकाल की क्रिया सिरजते हैं
परंतु काल की क्रिया दे अंदर, काल की दे अंदर मुख क्रिया दे नाल संचालक क्रिया, संचालक तो बाद सहायक क्रिया, और संचालक क्रिया है ओनू गां वंडिया गया है। एक क्रिया दी अगे आप वंड कीती है भी क्रिया दी पहला है काल की ते काल की, फिर काल की दे अंदर वंड कीती गई है मुख क्रिया संचालक ते सहायक क्रिया। हुण संचालक, संचालक क्रिया है उनकी गांह वंड की गई है संचालक क्रिया च मुढ़ली संचालक क्रिया, कर्मणी संचालक क्रिया, गतिवाची संचालक क्रिया, संभावी संचालक क्रिया। पहला स्ट्रक्चर नूं समझ लो भाई, स्ट्रक्चर आपां नूं समझ आ गई ते उस तो बाद आपां इन्हां एक एक दे बारे आपां जाणू होवांगे, चंगी तरह विचार वटांदरा करांगे, फिर दोबारा फिर इस स्ट्रक्चर ते गल करांगे। आपां नूं किसे प्रकार की दिक्कत आऊगी। हुण की है संचालक क्रिया, अगर कर्मणी वाद तो संबंधित है तो उनके मुढ़ली संचालक क्रिया, कर्मणी संचालक क्रिया, गतिवाची संचालक क्रिया, संभावी संचालक क्रिया होगी। और जो कर्तरी वाद तो संबंधित है तो कर्मणी नहीं होगी, कर्तरी वाद तो संबंधित है तो कर्मणी नहीं होगी, सिर्फ मुढ़ली संचालक क्रिया, गतिवाची संचालक क्रिया, संभावी संचालक क्रिया होगी। और इन्हों का सिस्टम आई है, सब तो पहला मुख क्रिया आती है, फिर संचालक, फिर सहायक क्रिया। संचालक क्रिया के अंदर भी पहला मुढ़ली संचालक क्रिया, दूजे नंबर से कर्मणी, फिर गतिवाचक, फिर संभावी संचालक क्रिया, फिर उस तो बाद सहायक। इस तरीके नाल ही आएगी, आ ही तरीका है जेड़ा वो रहेगा। हुण आपां की करते हैं कि आ सारी स्ट्रक्चर आपां समझ ली, जेड़े पंजाबी दे वाकंश की गल की सी, और वाकंश के अंदर कोई भी आप वाक पढ़ते हैं उनके अंदर कई अंश होंगे है भाई, वाक पढ़ते हैं ना उनके अंदर कई अंश होंगे, वो ना तो संबंधित भी हो सकता है, क्रिया तो संबंधित भी हो सकता है, क्रिया विशेषण तो संबंधित भी हो सकता है। बूटा सिंह ब्राड नूं फॉलो किया भाई आप, किसी तो संबंधित है वाक के अंदर, जो आप वाक पढ़ते हैं तो वो जेड़े शब्द तो उन्होंने कहोंगे नहीं पर शब्द वर्त कर लेंगे भाई। तो हुण तुसीं वाकंश तो जाणू होगे तो हुण शब्द नहीं वरतांगे, हुण आप वरतांगे वाकंश। वाकंश है जेड़ा वो ना तो संबंधित हो सकता है, क्रिया तो संबंधित हो सकता है, क्रिया विशेषण तो संबंधित हो सकता है। हुण सब तो पहला आप गल करांगे ना दी, ना वाकंश। जेड़ा ना वाकंश है इन्दे विच की है भाई, वाक बनत्र विच, वाक बनत्र दे विच की है कि जेड़ा वाकांश ना तो संबंधित है वो ना वाकांश है भाई, जेड़ा है वो ना वाकांश है भाई। जेड़ा ना तो संबंधित है भाई वह की है, ना वाकांश है। जेड़ा क्रिया तो संबंधित है वह क्रिया वाकांश है, और क्रिया विशेषण तो संबंधित है वह क्रिया विशेषण वाकांश है। है दो मिनट भाई, दो मिनट दोबारा, दो मिनट रुको, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, ओके। ना वाकांश, हुण ना वाकांश का बणतर ते कारज आपां देखदे हैं। वाक बणतर च जो वाकांश करता जा कर्म वजो कारशील होवे, करता जा कर्म वजो कारशील होवे, उसनू ना वाकांश आखदे ने, संज्ञा वाकांश आखदे ने। ना वाकांश का मुख शब्द ना श्रेणी का हुंदा है, आज्ञावाची वाकां तो छुट हरेक भाव दे वाकां विच ना वाकांश लाजमी तत्व वजों विचरता है। पंजाबी भाषा के साधारण वाकों की बनकर विच एक तो लैके चार तक ना वाकांश विचर सकते हैं। सहकर्म क्रिया वाले शब्दों विच दो जा तीन ना वाकांश आते हैं जे सहकर्म क्रिया है, और जे प्रेरणार्थक क्रिया है तो उस दे विच ना वाकांशां की गिणती चार तक हो सकती है। आम तौर पर वाक बनत्र विच ना वाकांश पहला, दूजा, तीजा, चौथा किसी भी स्थान पर आ सकता है। ना वाकांश भाई पहले नंबर पर आवे, दूजे, तीजे, चौथे किसी भी नंबर पर आ सकता है ना वाकांश।
और प्रेरणार्थक क्रिया च नाम आकांक्षा की गिनती चार हो सकती है। ध्यान रखियो बई। और उस तो बाद बणतर के पद्धर से नाम आकांश विच नाम पड़नाव विशेषक संबंधक आदरवाची दबावाची ते नाववाची अंश भी विचरते हैं। हुण आपां नाम आकांश की गल करिए। बारू दी मां ने सारी कहानी सुनाई। नाम आकांश लिखते हैं बई, मैं बारू दी मां ने सारी कहानी सुनाई। ठीक है जी। और इन्दे च की है बारू, बारू दी मां, बारू दी मां की है करता है। और तुहानू दस्या है करता ते कर्म वजो कारशील हुंदा है नाम आकांश, करता ते कर्म वजो कारशील हुंदा है। तो यह की है करता है, तो यह की है नाम आकांश है। पर ने की है, ने संबंधक है, ने संबंधक है। इस तो आप जाणू है बई। और सारी कहानी, सारी कहानी कहानी है जी की है कर्म है बई। और यह कर्म का विस्थार है, कर्म का विस्थार है। तो यह की भी है, यह भी की है नाम आकांश है, यह की है नाम आकांश है। हुण सुनाई की है, सुनाना क्रिया है बई, तो यह क्रिया वाकांश है। बस अगर वाकांश की जगह मैं तुम्हें आ कह कह दिता आ बारू की मां है ना जेड़ा, ये ना शब्द है और ने की है संबंधक है। कहानी जी सारी कहानी है यह ना है, तो आ सुनाई है जी क्रिया हैगी है। परंतु हम की है कि आप शब्द की वरतों नहीं कर सकते बी, उवें आप कर लेने वार बार शब्द की वरतों, परंतु हम आप वाकांश तो जाणू हो गए, आपको पता लग गया वाक के अंदर जो आप गल करांगे तो यह वाकांश बजणगे सारे, ये सारे की है वाकांश बजणगे। और इन्हां दी ही आप गल कर रहे हैं। बारू दी मां करता है, करता ते कर्म है जो ना वाकांश के अंदर शामिल होता है। इत्थे आ की है, आ भी वाकांश है ना वाकांश, यह संबंधक है यह भी ना वाकांश है, और आ क्रिया वाकांश है। हुण अगला, पिंडां दे लोकां ने सुखदेव सिंह नूं सरपंच बना दिता। पिंडां दे लोकां ने, पिंडां दे लोकां ने ना वाकांश, सुखदेव सिंह ना वाकांश, सरपंच पूरक है गया है, बना दिता, बना दिता, यह की है क्रिया वाकांश है। हुण वेख्या जाए तो आप इन्हां दोनों तो जाणू हो गए, ना वाकांश तो भी जाणू हो गए और क्रिया वाकांश तो भी जाणू हो गए। आप इन्हां तो जाणू है, इसी चीज नूं तुसी इस एंगल तो देखो भाई। गुरजिया ने सानू इस तो पहला पढ़ाया सीगा, इस तो पहला पढ़ाया सी, तां सानू शब्द श्रेणी के अंदर दसिया सीगा, शब्द श्रेणी के अंदर भाई आ ना है, आ पढ़ना है, यह क्रिया हैगी है, आ विशेषण है जी, आ क्रिया विशेषण है, यह फलाना है, यह टमकाना है। सारी चीज वक्री वक्री अध्ययन आप कारण शब्द श्रेणी किया सी। ठीक है, हुण आप उस वाक के अंदर वेख रहे हैं, चीज उ है परंतु हुण वाक के एंगल तो देख रहे हैं। आप जो वाक के एंगल तो देख रहे हैं तो शब्द योजना करके वाकंश यूज करते पे, तो हुण ना विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण तुम छांटने की दिक्कत आ रही है। ना वाकांश की जो गल की जाए तो उतों आप पता लग जूगा करता तो कर्म शामिल करना है। हुण उस तो बाद जो गल करिए ना वाकांश स्थापित, स्थापनी के आधार पर जो स्थापित होती है, स्थापनी के आधार पर पछाण विधियां, इन्हों की स्थापनी के आधार पर पछाण विधियां है बी कारज के रूप। सब तो पहला रूप आधारित पछाण विधि, रूप से आधारित, रूप से आधारित की गल करिए तो की है मुख शब्द राही पछाण सकते हैं, स्थान राही पछाण सकते हैं, संबंधक राही पछाण सकते हैं। रूप के पक्ष तो पंजाबी ना वाकांश की पछाण तीन आधार से होती है। रूप के पक्ष तो अगर आप देखिए भाई, रूप के पक्ष तो अगर देखिए ना वाकांश की पछाण है वह तीन आधार से होगी, मुख शब्द राही, स्थान राही, संबंधक राही। हुण आप गल करते हैं मुख शब्द, मुख शब्द है उनका एक एग्जाम्पल रहने भी मुख शब्द मैन जिहड़ा शब्द है उस राही, मैन शब्द राही। मुकसर दी लकवी जुत्ती प्रसिद्ध है, मुकसर दी लकवी जुत्ती प्रसिद्ध है भाई, प्रसिद्ध है। हुण इस मुख शब्द है वह जुत्ती है भाई, क्योंकि जुत्ती के इर्द गिर्द सारा वाक है, जिहड़ा जिहड़ा वाक है ना
ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀ। ਅਗਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਚ ਉਹ ਤੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਤਾ ਭਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦੀ, ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਥਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਕ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਰਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਪੋਪੂਲਰ ਵਾਕ, ਰਾਮ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਧੀ, ਸੀਤਾ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਸੀਤਾ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਹੈ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਰਮ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਰਮ। ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵਿਧੀਆਂ, ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਛਾਣ ਵਿਧੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀ, ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਝਲਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੂਪ ਦੀ, ਰੂਪ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ? ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਆਊਗਾ। ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ, ਅਗਲਾ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ ਨਾਲ, ਕਰਤਾ ਨੇ, ਕਾਰਕ, ਕਾਰਕ ਕਾਰਕ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਕਰਤਾ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜ ਘੇੜ ਕੇ, ਮੋੜ ਘੇੜ ਕੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੋੜਾ ਘੇੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਪਰਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਈ, ਸਥਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੌਥਾ। ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਕਰਮ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਛਾਣ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਦੱਸਤਾ ਬਈ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਵੰਡ ਕਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੋੜ ਘੇੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਜ ਆਧਾਰਿਤ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਾਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਤੀ
पर उसी गल नूं हुण मैं गल ओही है, मैं तुहानूं कहा सी वाकंश है, जिसने वाकंश नूं समझ लिया गल ओही है। तुसीं सारा कुछ पढ़िया होया परंतु उसनूं की एंगल कमा कमा के आपां वेख रहे हैं बस, और कोई गल नहीं है। आ जिहड़ी एंगल वाली दृष्टि तुहानूं आ गई, समझ आ गई, फिर तुसीं अड़ोगे नहीं, फिर तुसीं वापस समझोगे इहदी इहदी चत्ते वरतों होगी इस चीज की, ना दी दुबारा इत्थे वरतों हो रही है, इहदा तरीका थोड़ा अड आ गया, इसनूं इस तरीके नाल वरत लिया, इहनूं इस तरीके नाल वरत लिया, वो जी वरतों विहार है तुहानूं आ गई। और तुहाडे अंदर जिहड़ा आपां इह समान है जिहड़ा लोड किया है, या तुसीं मैं लोड किया है, या फिर तुसीं पढ़ पढ़ के लोड किया है, उहदा विश्लेषण आना चाहिए, उसनूं पछाणा आना चाहिए, और उसनूं हर तरीके नाल उनकी वरतों करनी आनी चाहिए। तो यह वरतों विहार दीयां गल्लां हो रहीयां ने, ठीक है। हुण कारज दे पक्तों की है, कारज करदे आ, कारज दे पक्तों की है, वाकांश विच करता ते कर्म वजों कारजशील हुंदा, और यह गल मैं तुहानूं कुछ देर पहलां भी दसी सी, परंतु हुण की कहता कारज दे पक्त दस। अरे कारज करेगा कौन? कारज करता करेगा, कारज करता करेगा, ते कारज दे पक्त और वाक दे अंदर जो कारज हो गए, वाक दे अंदर जो कारज हो रहे हैं, करता भी होएगा उस कर्म भी होएगा, करता भी होएगा कर्म भी होएगा, कारज दे पक्त ना वाकांश दे अंदर की आवेगा, करता ते कर्म आवेगा, बस इन्नी जी गल है। जिवें अध्यापक ने सारी जमात नूं किताबां वंडियां, हुण अध्यापक ने सारी जमात नूं, हुण सारी जमात है जिहड़ी जमात है वो की है? कर्म है। की है? कर्म है। और वंडना की है? किताबा वंडना की है? वंडिया, वंडिया, वंडिया क्रिया है भाई। अध्यापक कौन है? करता है। तो इतों आपां नूं पता लग गया करता कर्म क्रिया, बस एक कारज दे आधार ते स्ट्रक्चर इस तरीके की वाक दी होंदी है भाई, तरतीब करता कर्म ते क्रिया की तरतीब होंदी है, पॉपुलर तरतीब है। और कई बार कई वाकां चगले अगे पिछे भी कर देंदे, पर यह पॉपुलर तरतीब हैगी है। ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਆ ਵਾਕਾਂਸ਼। ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ, ਵਾਪਸ ਕ੍ਰਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ उस क्रिया की वाक तो बहर गल की, वाक तो बहर गल की आप, और जैसे हौली हौली तेज तेज फलाना फलाना आप शब्द लिखाते, थानू लिखाते, फिर उन्होंने फिर आप जाके अंदर वाक के अंदर वरतों किया, जो वाक के अंदर वरतों किया तो क्रिया वाकांश हो गया, वाक तो बहर किया तो शब्द है कह लिया। फर्क सिर्फ इन्ना ही है, हुण उन्होंने आप अंदर लैके जाना, वाक के अंदर फिट करने हैं, और जो अपने को ज्ञान है नॉलेज है शब्द श्रेणी का उसी की आप वरतों कर। क्रिया वाकांश एंदी बनतर ते कारज, वाक बनतर च जो वाकांश उद्देश ते विधेय दा कारज काल विच प्रकट करे, उद्देश ते विधेय दा कारज काल विच प्रकट करे उसनू क्रिया वाकांश कहिंदे ने। क्रिया भी तां इसी नू कहिंदे, ठीक है, इत्थे शब्द बदलता बई, उद्देश ते विधेय दा कारज काल विच प्रकट करे होगा की, फिर उद्देश ते विधेय करनगे की, उद्देश करूगा की, उद्देश कौन होंदा है? उद्देश करता ते करता दा विस्तार होंदा है, और उसी परिभाषा नूं उत्थे एवें दस्या सी जिस विच काम दा करना या होना पाया जावे। काम करूगा कौन? करता करूगा, करता करूगा, करना या होना पाया जावे काल तो संबंधित, करना या होना क्रिया। इसी गल नूं इहनूं दूजे एंगल नाल समझाता कि जो वाकांश उद्देश ते विधेय दा कारज काल विच प्रकट करे उसनूं क्रिया वाकांश कहा जांदा है। गल ओही है, फोर ही शब्दां च फोर के दोबारा फिर अगलिया ने नपती हैगी है, ते जदों आपां नूं एक बेस लाइन तैयार है ना, एक बेस लाइन आपां नूं याद हैगी है, फिर उस तों बाद अगला जिवें मर्जी फोरी जावे, आपां नहीं फुरना। यह तुसीं अपने दिलो दिमाग दे अंदर है ना जिहड़ा आ चीज़ तुहानूं फिट कर लेनी है, या अपने अंदर ऐसी स्किल पैदा कर लेनी है भाई, भाई जिहड़ी एक लाइन आपां चंगी तरह समझ ली, उस एक लाइन नूं अगला भरावां दस तरीके नाल कह देवे, भी तरीके कह दे, एग्जाम्पल आ जाए, एवें ना हो एक लैन पढ़ ली उन्हें दो एग्जाम्पल देख ले, हूँ कहानी हो गई खत्म, हूँ उन्हें लैन बदलती, लैन वखरे तरीके आई, वखरे एग्जाम्पल आ गए, आप फिर फस गए।
आ की होंदा है कि तुहानू अड़चन पैदा करूगा चंगे स्कोर वास्ते। अपने अंदर ऐसा स्किल पैदा कर लो। आप एक चीज याद की है, दो एग्जाम्पल एक लैन आप ध्यान दे विच है, पूरी तरीके आप उस लैन नू एग्जाम्पल दे विच चंगी तरह वरत लिया। हुण जिहड़ी मर्जी लैन लिखी आ जाए, जिहड़ा मर्जी एग्जाम्पल आ जाए, जो मर्जी अगला पुछ लवे, आप पाड़ना नहीं। फिर आप एवें नहीं सोचना भाई नोट्स के अंदर तो ऐ लिखा होया सी, और इत्थे होर लिखा होया अगले की मर्जी। किसी चीज़ को अगर अगला कमा के पूछे तो तुम कौम के कर दो, किधर खुद कौम जाओ। क्रिया वाकांश तो आप जानू है, दोबारा फिर परिभाषा करता है। क्रिया वाकांश विधेय के लाजमी तत्व वजो कारशील है। विधेय दे विच देखो, उत्थे विधेय की गल की, विधेय के अंदर बड़िया गल्लां दसियां सी, कर्म कर्म का विस्थार, ठीक है, क्रिया क्रिया का विस्थार, कई पर विधेय के अंदर क्रिया वाकांश लाजमी तत्व है। उस टाइम भी क्या सी, इस टाइम भी कहता, क्रिया वाकांश विधेय के लाजमी तत्व जो कारशील होता है, जिस तो स्वतंत्र उपवाक जा साधारण वाक की रचना होती है। दूजे शब्दों में अगर आप एवं भी कह सकते हैं, क्रिया वाकांश वाक का अहम अंग है। वाक जुगत विच इस नूं केंद्री स्थान प्राप्त है, क्रिया नूं केंद्री स्थान प्राप्त है, इस बिना तो वाक बनना ही मुश्किल हो जाएगा, अधूरा जापेगा। और एक गल और ध्यान रखिए, उत्थे भी समझाई सी, कई क्रिया रहित वाक भी होते, ठीक है, परंतु एक क्रिया वाकांश के पद्धर तो देख रहे हैं तो इत्थे इस चीज़ को समझते हैं। इस तरह वाक बनतर विच जिस सार्थक शब्द समूह का मुख क्रिया श्रेणी दे नाल अटैचमेंट होगा, वह क्रिया वाकांश है। जैसे बच्चा किताब पढ़ रहा है, बच्चा किताब पढ़ रहा है, और बच्चा है जेड़ा वह ना है, वह करता है, वह एक वचन है, अरे जो मर्जी आ जाए आलू, बच्चा किताब पढ़ रहे। लो जी, बच्चा किताब पढ़ रहा है। हुण लाइन लिखती, हुण इस लाइन जो आप वाकांश की पद्धर से देखा तो भाई आ की है, करता है गा, किताब की है, कर्म है गा, और पढ़ रहा है ये की है, क्रिया है, ये मुख क्रिया है पढ़, आ रहा की है संचालक क्रिया, है की है सहायक क्रिया, ये की है जी ये कर्म है, आ की है जी आ करता है, करता दे विच आ की है, आ ना भी है भाई, आ की है आ एक वचन भी है, एक वचन भी है, और बच्चा ए की है पुलिंग है, पुलिंग, अरे जो मर्जी आ जाए, जेड़ी मर्जी श्रेणी आ जाए, जैवे मर्जी आ जाए, तुसी दिमाग नूं इन्ना तिखा कर लेना, एवें ना हो जो तो बच्चा आवे करता पूछे तो ना पूछे तो ये पूछे तो वह पूछे, कुछ मर्जी पूछ ले, अपने दिमाग च क्लीयर है भाई ये बच्चा कला बच्चा नहीं है, ये करता भी है, ये ना भी है, और ये एक वचन भी है, और ये पुलिंग भी है, ठीक है ना। इस तरीके ने किताब की है, एक कर्म है, की है कर्म है, और कली किताब जो लिखी हो तो यह ना भी है, तो उस तो बाद पढ़ना की है क्रिया है, रहा सहायक क्रिया, आ रहा है जो संचालक क्रिया है सहायक क्रिया, पूरे जो वाक की स्ट्रक्चर है उसको खिलार देना, उनके कुछ भी पूछ लिया गया, और एक दो एज ए प्रश्न जरूर आते हैं दसना होता है, तो उस आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हुण इहदे विच की कहिंदा है कि इहदा संबंध, ये पढ़न का संबंध है जिहड़ा इस नाल, और जे इसका संबंध ये आलो जी इस नाल है। वाक विच पढ़ रहा है, क्रिया वाकांश है, और इस वाकांश का जिहड़ा मुख शब्द है, क्रिया वाकांश का, क्रिया वाकांश का मुख शब्द पढ़ है, पढ़ आ ध्यान रखियो, क्रिया वाकांश का मुख शब्द की है, पढ़ना है। हुण रहा है, रहा है की है, बच्चा किताब रहा है, बच्चा किताब रहा है की है, पर मुख क्रिया है, इस नूं ध्यान दे चाहिए, ये संचालक है, ये सहायक है की है, सहायक है की है। हुण अगे आपां इन्हां नूं इन्हां दी वंड करांगे भाई, आस मुख क्रिया, संचालक क्रिया, सहायक क्रिया, इन्हां दे बारे आपां अगे पढ़न वाले हां। ये जिहड़ी तुहानूं चीज समझाई सी आ धीरे धीरे, हुण जिहड़ी आ जिहड़ी पहला स्ट्रक्चर समझाई सी उह की है कि तुहाडे बिल्कुल एकदम ही साफ साफ नजर है जो आन लगी होगी। पहला आप स्ट्रक्चर तो वैसे जाणू हो गए हैं,
ਹੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹੈ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲਕੀ ਤੇ ਕਾਲਕੀ। ਅਕਾਲਕੀ ਤੇ ਕਾਲਕੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ। ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਕਾਲ ਪੱਖ ਮੂਡ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬਦਲੇ ਭਾਈ ਅਕਾਲਕੀ। ਅਕਾਲਕੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਪੱਖ ਮੂਡ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਵਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਲਕੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲਕੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਮੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲਕੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਸੀਮਿਤ ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸੀਮਿਤ ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੋਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਵੇ ਕਿਤਾਬ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੇ ਨੋ ਨੋ ਦਿਆਂ ਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਭਈਆ, ਇਹ ਅਕਾਲਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕਾਲਕੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕਾਲਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲ ਟੱਪਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ, ਟੱਪਦਿਆਂ ਇਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਆਲੂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਕੇ, ਆ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲਕੀ। ਹੁਣ ਖਾਲ ਟੱਪਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚ ਮੋਚ ਆ ਗਈ, ਖਾਲ ਟੱਪਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚ ਮੋਚ ਆ ਗਈ, ਖਾਲ ਟੱਪਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚ ਮੋਚ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਟੱਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਪਕੇ ਟੱਪਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਪਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਲਾ ਐਗਜਾਮਪਲ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਣੋ ਜਾ 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 ਕਿਰਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਨੋ ਲਾਤਾ ਕਾਰਕੀ ਪਿਛੇਤਰ, ਕੀ ਲਾਤਾ, ਪਿਛੇਤਰ ਲਾਤਾ, ਕਾਰਕੀ ਪਿਛੇਤਰ ਨੀ, ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾਤਾ, ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾਤਾ ਨੋ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਕੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਨੀ ਇੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ,
करनो नो आ गया था। हुण पंजों दे पंजों वरते थले पंज एग्जाम्पल दिते और पंजों वरत के दसे ते उस नाल आपां नूं पूरा ही स्पष्ट एग्जाम्पल वाधू दिते हुए है। 25-25, 30-30 एग्जाम्पल लिखे हुए है। एग्जाम्पल इत्थे जिन्ने मैं बोल रहा उस तों वध एग्जाम्पल पाए हुए ताकि दिक्कत आवे ना किसी प्रकार की। हुण काल की क्रिया वाकांश, ये तो अकाल की हो गया। हुण आपां अकाल की तो जाणू होगे, बाकी बच गए काल की। बाकी बच गए काल की। काल की क्रिया वाकांश, जिस क्रिया वाकांश तो क्रिया दे काल, देखो काल की, काल की यानी काल जा उस दे पख दा बोध हो, काल जा उस दे पख दा बोध होवे उसनू काल की जा सीमाबद्ध क्रिया वाकांश कहिंदे। सीमाबद्ध उसी सीमा मुक्त, किधर काल की आवे ना आज सीमाबद्ध आ जाए। नाण में शब्द लिखता सी, शब्द लिखता है भाई, ऐसे शब्द तो भी आप जानू हुई है, पर काल की ही आना चाहिए। काल की जा सीमाबद्ध क्रिया वाकांश कहते हैं। इस क्रिया वाकांश विच घट्टो घट एक काल की क्रिया का रूप होना लाजमी है, एक काल की क्रिया का रूप होना लाजमी है। काल की क्रिया वाकांश करता या कर्म नाव वाकांश दे लिंग वचन पुरख विचों घट्टो घट एक श्रेणी करके अपना रूप बदलेगी, उसने रूप विच बदला आएगा। ऐ काल की दे रूप विच बदला नहीं आता, वह अविकारी है, इस दा अविकारी है, इस दे रूप दे विच बदला आएगा। पंजाबी भाषा की साधारण वाक बनतर विच काल की क्रिया वाकांश दे अंत ते विचरदी है। क्रिया वाकांश भाई अंत च आती है, ते काल की क्रिया वाकांश की आऊगा अंत विच ही आएगा। अते काल की क्रिया वाकांश विच क्रिया श्रेणी दे कई शब्द रूपकारशील होंदे ने। जे एस पुआर साहब ने कहा है कि पंजाबी भाषा की वाक बनतर विच एक हां वाची करतरी काल की, करतरी वाची काल की क्रिया वाकांश विच एक हां वाची, हां वाची होगा ना करतरी वाची होगा, करतरी वाची काल की क्रिया वाकांश विच चार तक क्रिया रूप आ सकते हैं, चार क्रिया रूप आ सकते हैं। अते कर्मवाची बनतर विच वध तो वध पांच क्रिया रूप आ सकती है कर्मणी च। आ देखो भाई, एक दो तीन चार ते एक क्रिया या सहायक क्रिया उन्हां विचों आ सकते हैं। ये पुआर साहब ने कहा है, पुआर साहब ने आ गल कही है, आ ध्यान रखियो। और कर्मवाची बनतर विच वध तो वध पांच क्रिया रूप आ सकते हैं। कर्मवाची चा वध गया ना, कर्मवाची चा वध गया जिहड़ा कर्तरी है, एक तो है कर्तरी और एक है कर्मणी। एक काल की क्रिया पढ़ी आप, काल की विकारी है जिहड़ी लिंग रूप वचन इस दे साबण बदल जाएगी भाई, तो वह जिहड़ी काल की क्रिया कर्तरी ते कर्मणी दो भागां च मिलेगी। हुण अगर कर्तरी होगी, कर्तरी होवे कर्मणी होवे, आ रूप तीनों तो रहणगे, मुख क्रिया संचालक क्रिया सहायक क्रिया यह तो रहूगी रहूगी भाई। हुण जिहड़े आ रूप लिखे गए थले एक कर्मणी दे लिखे गए है, कर्मणी दी कर्मणी विच मुढ़ली संचालक क्रिया, कर्मणी संचालक क्रिया गतिवाची ते संभावी होगी, परंतु जिहड़ा कर्तरी है कर्तरी, कर्तरी विच कर्मणी नहीं होगी भाई, आ नहीं होगी। इस तो बगैर देख लो बस इनिया होन गया, मुढ़ली गतिवाची संभावी बस। इसी कारण कर्तरी च एक घट है और कर्मणी च एक वध है बस। इनका स्थान भी इन्हों का निश्चित है, पहले नंबर ते आऊगी, दूजे ते आ, तीजे ते आ, चौथे ते आ, ठीक है जी। आ पहले नंबर ते आऊगी, जे आ नहीं गई तो आ आजूगी दूजे नंबर ते, जे आ दोनों नहीं गया तो फिर ए आजूगी। आ ध्यान रखियो, तो इस तरीके का कर्म सैट होगा, जी नहीं आती जाऊगी कोई दिक्कत नहीं होती, तो उस तो पिछे ले आऊगी, पर एवं नहीं कि आ इधर आ जी, नहीं हो सकता। जिवें वो हरदीप खाना खा रहा है, खा रहा है, खा पहला रहा बाद च है बाद च, एवें नहीं आ सकता है रहा खा, ये नहीं हो सकता, या रहा खा है ये भी नहीं जचता, हो ही नहीं सकता। और इस तो आप जाणू है, जो आप जाणू है तो भाई नंबर लाने च आपां नूं की दिक्कत आ गई, जो आप इन चीजों तो जाणू है तो नंबर लाने च आपां नूं की, तो आपां नूं पता भी मुख क्रिया पहले नंबर ते आऊगी, आ दूजे नंबर ते, आ तीजे नंबर ते आगी। आ देखो जा रहा है, आ देख लो पहला मुख क्रिया, फिर आ खा रहे जा रहे पी रहे सो रहे कुछ भी कर दो भाई। हरदीप का मुंडा सो रहा है, तालू सो मुख क्रिया,
रहा संचालक है साहित्य क्रिया। हुण एवें नहीं हो सकता हरदीप का मुंडा रहा सो है या रहा है सो, ठीक है, पर यह जचमा ऐ रहूगा एवें एवें हो। फिर इनकी स्ट्रक्चर थले आ संचालक क्रिया के पा गए, ये आ सारे संचालक क्रिया के पा गए। हुण इस तों फिर आपां अगले पड़ाव चलते हैं कर्तरीवाच। कर्तरीवाची तुहानू दसता है संचालक क्रिया दे मुढ़ली संचालक क्रिया गतिवाची ते संभावी संचालक क्रिया शामिल। कर्मणीवाची क्रिया वाकांश दे विच संचालक क्रिया दे अंदर मुढ़ली कर्मणी गतिवाची ते संभावी शामिल ने। बाकी ये तीनों तो आने पहला कर्तरी होवे पहला कर्मणी होवे ये तीनों आनी है। इस दे अगे होर वर्णन करता, पहली गल तां भैया इत्थे ही काम मुक जूगा अपना मेरे हिसाब नाल तां ऐ काल की तो गाही नहीं जांदा। सैकंड ग्रेड दे विच फर्स्ट ग्रेड अंदर एवं जा सकता है भाई काल की तो इतने तक आ जाए, क्योंकि आपको पद्धर जो दिता देना सीनियर सैकेंडरी दिता है, परंतु फिर उनके दिमाग च आ जाए भाई आप जवाकों पता ही होंगी है आ भी पता ही होंगी है आप इतने पूछते हैं ना इतों का नॉलेज चेक होगा। यह स्टैंडर्ड होंगे एक ही स्टैंडर्ड होगा रीट वाले है जो इतने तक कर लेना भी बहुत है क्रिया क्रिया वाकंश सिर्फ क्रिया की पछाण हो जाए, ठीक है, क्रिया के पछाण हो जाए इन्ना ही बहुत है। जो उस तो अगे गल करिए सैकंड ग्रेड वालों इतने तक फस्ट ग्रेड वालों इतने तक और जोड़ा होर उस तो उत्ते लेवल है आ अपना हाईएसट लैवल है भाई इस तो अगे बस वो पछाण करनी उन्होंने चंकी तरह आज आए तो उत्थे तक रहा फस्ट लेवल तो उत्ते एम ए लेवल तक भी जाता तो इतने तक पहुंचूगा जोड़ा कि लैक्चरर के अंदर अपने लिए जरूरी है। हुण आपां इन्हां सारिआं दी गल करदे आं अपनी मुख क्रिया दी, इन्हां दी गल करदे आं, इन्हां तो आपां जाणू हो ही गए। कालकी क्रिया दे अंदर जिहड़ीआं हुण एक क्रिया मुख क्रिया संचालक क्रिया सहायक क्रिया दी गल करदे आं, पहला मुख क्रिया नूं समझदे आं। हुण स्ट्रक्चर तुहानूं सारी समझ आ गई होणी है, हुण आपां इन्हां चों सारिआं नूं एक एक करके लै लैणे आं। पहला मुख क्रिया लैणे आं, क्रिया वाकांश विच मुख क्रिया केंद्रीय भूमिका निभाउंदी है भाई मुख क्रिया, और यह क्रिया वाकांश का मूल ते लाजमी तत् है। मुख क्रिया ते आऊगी आऊगी उनके बाद आएंगे, एवं नहीं हो सकता भाई मुख क्रिया ना आवे, बहुत घट चांस है बहुत घट। ते यह केंद्रीय तत् है लाजमी तत् है। आम तौर पर एक हां वाची क्रिया वाकांश विच मुख क्रिया सब तो पहला आउंदी है आम तौर पर, यह होने वाले कार्य वल संकेत करती है जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, रोना यह मुख क्रिया है। यह की है भाई मुख क्रिया है। कुड़ी पढ़ रही है, पढ़ना मुख क्रिया है। धोबी ने कपड़े धो दिते मुख क्रिया है। संगत ने चाह पी ली पी मुख क्रिया है। जिन्नत का व्याह कर दिता गया है कर दिता गया है। हम एक बार मुख क्रिया की गल करें फिर दिता कि और गया कि सब तो चालना पावे तो मुख क्रिया है, ठीक है जी। दिन पर दिन वह बुढ़ा हो रहा है होना हो मुख क्रिया है। हम संचालक क्रिया जी संचालक क्रिया है क्रिया वाकांश की मुख क्रिया संचालक क्रिया से सहायक क्रिया नाल मिलकर आती है। क्रिया वाकांश की होगा भाई मुख क्रिया होगी संचालक क्रिया होगी सहायक क्रिया होगी क्रिया वाकांश के अंदर। और संचालक क्रिया दिया अगो चार उपश्रेणियां है संचालक दिया भाई संचालक दिया चार उपश्रेणियां एक दो तीन ते चार। कर्तरी च तीन ही है कर्मणी च चार है। जे कर्तरी होगी तो आ तीन होणगियां और कर्मणी दे विच ये चार होणगियां, ठीक है जी। जे कर्तरी कर्मणी दिता होवे तो कर्तरी अंदर तीन कर्मणी अंदर चार, जे कुछ भी ना दिता होवे फिर चार। असल विच ये ओ उपवर्ग हन जिहड़े क्रिया वाकांश दा मुख क्रिया तो पिछे बजवी तरतीब विच आ के व्याकरण कारज नूं स्पष्ट करदे है। क्रिया वाकांश विचों काल पक्ष वाच लिंग वचन पुरख सहकर्मकता अकर्मकता दीयां व्याकरणक श्रेणियां संचालकी क्रिया द्वारा ही प्रगट होंदियां ने। पुआर साहब ने की कहा संचालक क्रियावां दी स्थापना दा आधार इन्हां क्रिया रूपां दी तरतीब नूं बनाया है।
और अगे जाके आप इन्हों की पछाण करते हैं। और सब तो पहली हम आप संचालक क्रिया के अंदर वड़ गए हैं। संचालक क्रिया संचालन तो संबंधित है, संचालन तो संबंधित है भाई संचालक क्रिया। और इस जी पहली है वह है मुढ़ली संचालक क्रिया। मुढ़ली संचालक क्रिया मुख्य क्रिया तो बाद आती है, सब तो पहला आऊगी मुख्य क्रिया, फिर संचालक आऊगी, फिर सहायक क्रिया आऊगी। हुण संचालक के अंदर मुख्य क्रिया तो सब तो पहला आनी आनी है, परंतु इन की है मुढ़ली संचालक, मुढ़ली संचालक क्रिया। मुढ़ली संचालक क्रिया मुख्य क्रिया तो बाद आती है, दबावाची ते नांवाची अंश मुख ते मुढ़ली, मुख ते मुढ़ली दबावाची आ नांवाची अंश है मुढ़ली ते मुख ते मुढ़ली दे विचाले आणगे, मुख ते मुढ़ली दे विचाले आणगे। इहदे 34 मैंबर है भाई, 34 दे 34 मैंबर लिखे हुए है, थोड़ा ध्यान च कर लियो, याद करन दी लोड़ नहीं है क्योंकि बाकी अगले आपां याद कर लांगे थोड़े थोड़े। उठ आ सक सुन सूट हो कर खड़ो चल चुक छत जा तुर दस दिस दे निकल पा पे पुज फड़ फाड़ फिर बैठ बोल बै बड़ बण भिड़ मर मिल अख लै लंग बेख। 34 दसे है पे पुआर साहब ने, पुआर साहब ने 34 दसे है, ठीक है ना, ये ध्यान रखियो कि 34 रटन से जोर दे दो। और इन विचों केड़े केड़े याद करोगे बस एक और पढ़ लियो, ठीक है। और अगे की है हुण की है कि कर्मणी संचालक क्रिया, आपां इह मुढ़ली संचालक क्रिया देख ली, हुण कर्मणी कर्मणी संचालक क्रिया। कर्मणी संचालक क्रिया कर्मवाची वाकां विच ही आउंदी है, यह हमेशा मुख क्रिया तो तुरंत बाद आती है, मुख क्रिया तो तुरंत बाद आती है भाई। जेकर क्रिया वाकांश विच मुढ़ली संचालक क्रिया मौजूद है, अगर मुढ़ली संचालक क्रिया हैगी है तो यह मुढ़ली संचालक क्रिया तो बाद आएगी, जे मुढ़ली संचालक क्रिया नहीं तो दूजे नंबर से सिद्धि आ, दूजे नंबर से सिद्धि आ जूगी। जे मुढ़ली संचालक क्रिया मौजूद है तो उस तो बाद आएगी। और इनकी उपश्रेणियां है वो दो ही है भाई, जा गया दो ही है, कर्मणी दिया दो ही है, जा गया जाते गया। इनका एक सूत्र बनाया आप भाई, याद ही रहेगा तुम्हें, कर्म जाग गया। कर्मणी संचालक क्रिया का सूत्र है कर्म जाग गया, कर्म जाग गया, जाते गया हो गया भाई, कर्म जाग गया तो जा और गया जुड़ गया, कर्मणी के विच की हो गया जा और गया जुड़ गया। पहले आप सारिया समझ लें, फिर उस तो बाद एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल करा, कम से कम 20 एग्जाम्पल करा, दिक्कत ही नहीं आने लगी 1%। कर्मणी के विच की है जा ते गया है, तो इहदा सूत्र है कर्म जाग गया, कर्म जाग गया, यह याद रख लो। हुण गतिवाची संचालक क्रिया, जिहड़ी गतिवाचक संचालक क्रिया है मुढ़ली ते कर्मणी संचालक क्रिया तो बाद आऊगी, मुढ़ली ते कर्मणी संचालक क्रिया तो बाद आ रही है भाई, इत्थे आ रही है और वाक विच भी आवेगी, और संभावी तो पहला आवेगी, संभावी तो पहला आएगी। यह क्रिया के चलने होने का भाव प्रकट करता है, गति गति माने गतिमान, गतिमान होने का भाव प्रकट करता है, जे इनकी बजाय चलते होने का भाव प्रकट करता है, चलते होने की जगह जो आप कहना गतिमान का भाव प्रकट करता है तो गतिवाची सौखा समझ आ जाएगा। जे कोई होर संचालक क्रिया मौजूद ना हो मुख क्रिया तो बाद आएगी, जे कोई भी संचालक क्रिया मौजूद नहीं है तो यह मुख क्रिया तो बाद सीधी सपाट आ जाएगी, पड़क दे। जे आ सारिया मौजूद ने तो पहला मुख क्रिया फिर मुढ़ली फिर कर्मणी फिर गतिवाचक, और जे आ दोनों मौजूद नहीं तो सीधा इन्हें तो बाद आ गतिवाची। गतिवाची का इको मैंबर है रह, इको मैंबर है भाई रह, और ये इस तो पहला एग्जाम्पल भी दिता है भाई, बच्चा दुध पी रहा है, बच्चा दुध पी रहा है, रहा चलायमान है भाई, गतिमान है, गतिवाचक हो गया, की हो गया गतिवाची संचालक क्रिया होगी, क्रिया चल रही है गति के नाम गतिवाचक। और कई थां ते जाओ भी आ सकता है, राम दे गुण गाई जाओ, जा तो बन के जाओ आऊगा, गति प्रकट होएगी। वैसे तो रह, रह तो बन के रहे, रह रहा कुछ भी आ सकता है, रह लिखता ना
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਰਹਾ ਰਹੇ ਰਹੋ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਇਸੀ ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਦਾ ਜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜੇ ਗਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਤੀਵਾਚੀ, ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਰਮਣੀ, ਔਰ ਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਜਾ ਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਓ 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 ਗਾਈ ਜਾਓ ਲਗਾਤਾਰ, ਗਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਗਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਮਨੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਾਰੀ ਉਪਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬਈ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਸੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦਸ ਦਿਸ, ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸੱਕ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਬਈ, ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਵੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ, ਸੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਸੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕ ਹੋ ਦਸ ਦਿਸ, ਬਈ ਜੇ ਸੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਸ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਸ ਦੋ, ਆਹ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕ ਹੋ ਦਸ ਦਿਸ, ਇਹਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਵਾਚੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੈ ਤੇ ਸੀ, ਬਸ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੈ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਕਾਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਭਵਿੱਖਵਾਚੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਲਾਈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐ ਏ ਆ ਵਾ ਸੂ ਸਨ ਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਲਿਖਤੇ, ਬਾਕੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹਨ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਨ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੋ ਹੀ ਇਹਦੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ। ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ठीक है, वो चंडीगढ़ जा रहा है, जा रहा है, साइकिल आ रही है, पर वो चंडीगढ़ जाऊगा, खाऊगा पीऊगा, जुड़मा आ रहा है अलग तो, भविख दे विच नहीं आ रहा भाई, भविख दे विच नहीं आ रहा। तो इहदे दो ही रूप है भाई सहायक क्रिया दे। लो जी हुण एग्जाम्पल राही आप देखते हैं भाई। डाउन सेशन दे अंदर भाई जिहड़ा इंग्लिश लिखे ना उन्हूं चंगी तरह पढ़ांगे भाई, और फिर उस दे उत्ते चर्चा करांगे भाई। हुण की कहंदे है कि जे आपां एक बार देखिए जिहड़ा ये मटौता भाई, इस दे अगे पहला मुख क्रिया लिखनी सी भाई, मुख क्रिया और फिर आ सारे रूप और अंत च सहायक क्रिया, आ स्ट्रक्चर नाल असीं उभर के मुख क्रिया पहला, फिर मुढली क्रिया कर्मणी, फिर गतिवाची, फिर संभावी, ते फिर सहायक। इस तरीके नाल ये चीजा आनी है। हुण तुहानूं की कहंदे है ये जिहड़ियां गल्लां है समझ आ गई होनी है ये सारियां। एक बार फ्रेम है उन्होंने दोबारा देख लेंगे। वाकांश दे विच की है कि ना वाकांश क्रिया ते क्रिया विशेषणी वाकांश है, ना वाकांश नूं कारज ते रूप दे आधार ते रूप ते, फिर जिहड़ी पछाण कीती है मुख शब्द स्थान ते संबंधक, और फिर क्रिया वाकांश दे अंदर की है अकालकी ते कालकी है, कालकी दी गां वंड कीती गई है, अकालकी अंदर के नौणो दे आए हैं बस, कालकी अंदर फिर कर्तरी ते कर्मणी, कालकी दे अंदर आ वंड कीती है मुख क्रिया संचालक क्रिया ते सहायक क्रिया, फिर संचालक क्रिया नूं गां वंडिया गया, इन्ना जिहा काम सी बस। और क्रिया विशेषण दी अगे आपां गल करांगे, क्रिया विशेषण वाकांश की अगे गल करांगे। क्रिया विशेषण वाकांश बारे मैं दस देना, जिहड़ा क्रिया विशेषण तो संबंधित होवे बस वो क्रिया विशेषण वाकांश है, और क्रिया विशेषण तुहानूं चंगी तरह कराई दे, दोबारा फिर करावांगे। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं इस स्ट्रक्चर का, जिवें खेतां तों परे नदी वगदी सी, हुण खेतां तों परे नदी वगदी सी, वगणा मुख क्रिया है और सी सहायक क्रिया है, की है सहायक क्रिया है। हुण अगे बारू घर नूं तुर पिया, बारू घर नूं तुर पिया, हुण की है तुरना मुख क्रिया है, यह तुरना की है तुर मुख क्रिया है, और आ जिहड़ी है पिया यह मुढली संचालक क्रिया है, की है मुढली संचालक क्रिया है। बारू ने सारा दिन, बारू नू सारा दिन ताप चढ़िया रहा, बारू नू सारा दिन ताप चढ़िया रहा। बाकी आप क्रिया की स्ट्रक्चर लिख रहे हैं भाई, इस तो आपां नू पता लग रवे भाई, चढ़िया मुढली क्रिया है, चढ़िया मुख चढ़ना भाई मुख क्रिया है, और आ केड़ा है रहा गतिवाचक संचालक क्रिया, केड़ी है गतिवाचक संचालक क्रिया हैगी है भाई। हुण अगे ओह इस यात्रा दौरान सारा देश घूम आया है, सारा देश घूम आया है, घूम आया है, वह सारा देश घूम आया है। हुण इह घूमना मुख क्रिया भाई, घूमना मुख क्रिया, और आया मुढ़ली संचालक क्रिया, आया की है मुढ़ली संचालक क्रिया, और है सहायक क्रिया भाई, सहायक क्रिया। हुण अगले जदों ओ पाठ कर रही हुंदी तां पूरी मगन हो जांदी, कर रही हुंदी, कर रही हुंदी, ये तां लिते बाकी वाक तो सुन लिया भी, कर मुख क्रिया, रही रही गतिवाचक संचालक क्रिया, और हुंदी संभावना, हुंदी संभावना है संभावी संचालक क्रिया। बस देखो जे गति आवे तां गतिवाची संचालक क्रिया, संभावना आवे तां संभावी संचालक क्रिया, कर्म तो समझ तो होवे तां कर्म जा गया, जा गया है, जा गया ते कर्म संचालक क्रिया, आ तीन तां नां तो ही पता लग रहा है, नां तो ही पता लग रहा सहायक क्रिया मैं दसी है ते सी है, उनका कोई दूजा रूप भी आ सकता है,
ठीक है, इथों आप कोई दिक्कत नहीं आऊगी पछाण दे विच, पर आप होर की कहते हैं कि एग्जाम्पल ले लें भाई, जे मैं चिट्ठी पढ़ ली होंगी तो मैं लेट फीस ना पैंदी, तो मैनू लेट फीस ना पैंदी, जे मैं चिट्ठी पढ़ ली होंगी, पढ़ हुण जिहड़ा पढ़ है मुख किरिया, लई मुढ़ली संचालक किरिया, हुंदी हुंदी संभावना संभावना संभावी संचालक किरिया। हुण जोगी बीन वजा रहा सी, वजा रहा सी भाई, हुण वजा मुख किरिया, रहा गतिवाचक संचालक किरिया, सी सहायक किरिया, की है सहायक किरिया भाई। इत्थे मत्था टेकन वाले नू वर दिता जांदा है, दिता जांदा है, दिता जांदा है भाई। लो जी, दिता मुख किरिया, दिता मुख किरिया, जांदा जा तो आ गया भाई, जा कर्म जा गया, जांदा है कर्मणी संचालक किरिया है, ये की है कर्मणी संचालक किरिया है, और है सहायक किरिया है केड़ी है भाई, सहायक किरिया है। हुण अगे थोड़ा होर लेवल चकदे हैं, जे चोर फड़िया जा सकता ता पुरानियां चोरियां भी बरामद हो जानियां सन, चोर फड़िया जा सकदा, फड़िया जा सकदा, फड़िया मुख किरिया, जा कर्म जा गया, कर्मणी संचालक किरिया, सकदा संभावी संचालक किरिया, जे सक कर चुके हो ता दसो दस दिस दो, दस्या सी ना सक तो बनिया सकदा, सकदा संभावी संचालक किरिया, पर संभावना व्यक्त कीती है बे, फड़िया जा सकदा, सकदा संभावना व्यक्त कीती है, फड़िया नहीं गया तो संभावी संचालक किरिया है। हुण अगे करजा ता ओ समय सिर ही मोड़ दिंदा रहा है, मोड़ दिंदा रहा है, हां भाई मोड़ दिंदा रहा है, मोड़ मुख क्रिया, दिंदा मुढ़ली संचालक क्रिया, रहा गतिवाचक संचालित क्रिया, है सहायक क्रिया, है सहायक क्रिया भाई। हुण अगला, साडे गुरु जी मास खा लिया करदे सन, साडे गुरु जी मास खा लिया करदे सन, खा लिया करदे सन। हुण देखो, खा मुख क्रिया, लिया मुढ़ली संचालक क्रिया, करदे संभावी, संभावना है भाई, सक कर चुके हो ता दस दस दो, कर 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 तो करदे बन गया, कर तो इनका रूप भी आ सकता है, ये इसी कारण समझाया कर दा रूप आ गया करदे, और इतने संभावना खा लिया करदे सन, खा लिया करदे सन, जे खांदे हन फिर की आंदा खांदे हन भाई, खांदे है कोई संभावना नहीं, कहिंदे खा लिया करदे सन, संभावी संचालक किरिया, और आसन सहायक किरिया, सी दा रूप बदल के आ गया, सी दा रूप बदल के आ गया सन, सहायक किरिया। ते जो भी कोई रूप बदल लवे, जो भी कोई रूप बदल ले, किधर तुसी सोचो, गुरु जी ने तो छे लिखाए सी, छे दे छत्ती बन गए, किवें वो छे दे छत्ती बनाने तो आने चाहिए, उन्दे च फसमां विच नहीं ला के पैना, जिवें कर तो कर बन, करदे बन गया, करदा बन गया, करदी बन गया, कुछ भी बन सकदा, किन्ने लिखाई है, प्रयास तो आप एक ही करांगे ना, कर हुण जा तो जांदा बन गया, जांदे बन गया, जांदी बन गई, तो जा कितने ना कर्म जा गया, जाई कितने ना पाया, तो उस तो जो मर्जी बनता रहे आप बना देवे, इतने सी है और सी दो ही याद कराए, सी तो सन बन जाए, सां बन जाए, सू बन जाए, कुछ भी बन जाए, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप पछाण जाएंगे सहायक क्रिया, सी सहायक क्रिया भूतकाली,
पता होवे। है हाँ हन कुछ भी आ जी वर्तमानी वर्तमान काल ही है। हुण अगे ओह लाइब्रेरी विच कोई ना कोई किताब पढ़ रहा हुंदा है, पढ़ रहा हुंदा है, पढ़ मुख क्रिया, रहा मुरली संचालक क्रिया, गतिवाची, रहा भाई गति च गतिमान है, रहा गति, गतिवाची संचालक क्रिया, हुंदा संभावी, हुंदा की है संभावी, है सहायक क्रिया, है की है सहायक क्रिया है भाई। हुण अगला, इस्लामी मर्यादा अनुसार मुर्दे नु दब दिता जांदा है, दब मुख क्रिया, दिता मुरली संचालक क्रिया, जांदा जा गया कर्म जा गया, जांदा कर्मणी संचालक क्रिया है सहायक क्रिया। हुण अगे, भावे लोकां दे सारे काम कर दिते जांदे रहे पर वोटां उन्हां फिर भी ना पाईयां, कर दिते जांदे रहे, हुण सहायक क्रिया नहीं है भाई, कर दिते, कर दिते जांदे रहे, हुण हन नहीं लग्या होया, कर दिते जांदे रहे हन। अगला वाक शुरू हो गया, भावे लोकां दे सारे काम कर दिते जांदे रहे पर वोटां उन्हां फिर भी ना पाईयां। हुण की है कर, ए देखो कर मुख क्रिया, दिते मुढ़ली संचालक क्रिया, जांदे कर्मणी संचालक क्रिया, रहे 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 गतिवाची, गतिवाची च गतिवाची दा मेंबर है रहे, गतिवाचक संचालक क्रिया, सहायक क्रिया नहीं, सहायक क्रिया नहीं। अतवाद नूं खत्म करन लई बड़ियां सकीमां सोचियां जा रहियां हन, सोचियां जा रहियां हन, सोचियां मुख क्रिया जा कर्मणी संचालक क्रिया, रहियां रह तो बने हैं भाई गतिवाचक संचालक क्रिया, हन है तो बने हैं भाई सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। हुण अगला भाई थोड़ा होर स्ट्रक्चर वड्डा लै ली, जे यह पुल ठीक ढंग नाल बनाया जा रहा हुंदा तां इन्ना रोला नहीं सी पैणा, बनाया जा रहा हुंदा, बनाया मुख क्रिया जा कर्मणी संचालक क्रिया, रहा गतिवाची संचालक क्रिया, हुंदा संभावना व्यक्त की है संभावी संचालक क्रिया, रहा गति नूं प्रकट कर रहा है गति संचालक क्रिया। अगे जागीरदार निजाम विच बगावत नूं सख्ती नाल दबा दिता जांदा है, दबा दिता जांदा, रहा कर लो एक होर विचार, रहा है स्ट्रक्चर होर वड्डी होगी भाई। इस तरीके नाल भी क्रिया वाकांश आ सकदा है, इस तरीके नाल भी क्रिया वाकांश आ सकदा है भाई। दबा मुख क्रिया, दबा है मुख क्रिया, दिता मुढ़ली संचालक क्रिया, जांदा कर्मणी संचालक क्रिया, रहा गतिवाची संचालक क्रिया, है सहायक क्रिया। देखो इन्दे च पंज आ गया, की आ गया पंज आ गया, पंज दा एक होर एग्जाम्पल लै लैणे, उसका उधार समय सिर मोड़ दिता जा सकता सी, मोड़ आलो जी मोड़ दिता जा सकता सी, लो जी मोड़ मुख क्रिया, दिता मुढ़ली संचालक क्रिया, जा कर्म जा गया कर्मणी संचालक क्रिया, सकदा सकदा भाई संभावी, सकदा सक कर चुके हो ता दस दुस दियो, सक कर चुके हो दस दिस, छे दे मेंबर पूरे हो गए, सकदा सकदा सकदे सकदी कुछ भी आ जाए भाई संभावना व्यक्त की है, सी सहायक क्रिया, सी की है सहायक क्रिया। हुण अगे आपां गल करिए इस अखीरले वाकांश दी भाई, क्रिया विशेषणी वाकांश, क्रिया विशेषणी वाकांश, क्रिया विशेषण जिहड़ी क्रिया दी विशेषता दस्से, बस
क्रिया वाकांश की गतिविधि किसी ना किसी पक्ष तो प्रभावित करने वाले वाकांश को क्रिया विशेषणी वाकांश कहते हैं, क्योंकि क्रिया की गतिविधि को प्रभावित करता है, या दूजे शब्द कह दिए तो क्रिया की विशेषता दसता है। पंजाबी भाषा के साधारण पदक्रम में क्रिया विशेषणी वाकांश आम तौर पर क्रिया वाकांश तो पहला आता है, पहला आता आम तौर पर, जिथे आम तौर पर लिखे ना उत्थे आम गल हैगी आम तौर पर अजा होंगे, और खास तौर पर कुछ होर भी हो सकता है। आ चीज ध्यान रखो, असी सवेरे सवेरे पिंड पहुंच गए, सवेरे सवेरे पिंड पहुंच गए, पहुंच क्रिया और क्रिया की विशेषता सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे तो एक क्रिया विशेषणी वाकांश। बुढ़ा हौली हौली तुरदा है, बुढ़ा हौली हौली तुरदा है, तुरना क्रिया, हौली हौली क्रिया विशेषण, आ क्रिया विशेषणी वाकांश है। यह की है? क्रिया विशेषणी वाकांश। ओ अज घर जा रहा है, अज जा दी विशेषता है, जाना क्रिया है, क्रिया दी विशेषता। कुत्ता उच्ची उच्ची भौंक रहा है, भौंकना क्रिया, क्रिया दी विशेषता उच्ची उच्ची। चोर अंदर लुक गया, लुकना क्रिया, क्रिया दी विशेषता अंदर, क्रिया दी विशेषता अंदर। आ सी भाई आज आपां कीते भाई सिर्फ इन्नी चीज, ना वाकांश क्रिया वाकांश ते क्रिया विशेषणी वाकांश, बस आज तीनों फिर इन अगे वंडिया, क्रिया वाकांश अगे वंडिया, क्रिया विशेषणी वाकांश नूं इत्थे ही रखिया भाई। इस तों गांह तुरंगे तो क्रिया विशेषण तुसीं पढ़िया नहीं सकदे।